लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो ठेका होता है ये इमरजेंसी शॉप्स में आता है क्या? आई मीन ये ओपन है, बाकी सब बंद है। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं वापस घर जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि मेरे को 7 बजे निकलना था और 9:30 होने वाले हैं। सो इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। सो लेट्स सी हम कितने बजे पहुँचते हैं, बिकॉज ध्यान से आई गेस अभी कितनी देर में बस निकलेगी इसका कोई आइडिया नहीं है। सो लेट्स सी बहुत जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कोई बस, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी मैंने बस ले ली है और मैंने अपना सामान भी एडजस्ट कर दिया यहाँ पर अच्छे से आगे और अपनी सीट भी ले ली है। अभी हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं और हमारी बस यहाँ पर रुकी है खाना खाने के लिए थोड़ी देर। और आपको बता दूँ कि 10:30 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे हम शिमला, बट एनीवेज लेट्स सी कब पहुँचते हैं। तो गाइज ये देखो, एक तो मैं पहले से ही लेट हो रही थी, ऊपर से यहाँ पे रास्ते में ब्लॉक हो गया है, पूरी की पूरी पहाड़ी ऊपर से नीचे आ गई है और उसके लिए अभी JCB लगी हुई है रोड क्लीन करने के लिए और पूरे हम लाइन में खड़े हैं। जब तक रोड क्लीन नहीं होता तब तक हम आगे भी नहीं जा सकते। सो गाइस अभी मैं शिमला पहुंच गई हूं और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट आज बंद है और आई थिंक शिमला में वीकेंड लॉकडाउन है इसीलिए आज पूरी मार्केट बंद है और कोई भी नहीं दिख रहा है। जो मार्केट मैंने कभी मतलब जहाँ चलने के लिए भी जगह नहीं होती ना, आज उस मार्केट में देखो कोई भी नहीं है, पूरी मार्केट खाली है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि अभी सारा कुछ बंद है यहाँ पर आज शिमला में, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो ठेका होता है ये इमरजेंसी शॉप्स में आता है क्या? आई मीन ये ओपन है, बाकी सब बंद है और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और जो खाने वाली फूड शॉप्स हैं, होटल्स हैं, ये सब खुले हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द ठेका थिंग। आई मीन आई डोंट नो व्हाई इट्स ओपन, बट स्टिल इट्स स्ट्रेंज टू नो कि वो ओपन है। मैं शिमला तो पहुंच गई हूं लेकिन मैं अपने 2 ज़रूरी असेंशियल्स भूल गई हूं और वो ये है, पहला असेंशियल ये है कि मैं अपना फ़ोन का चार्जर लाना भूल गई, दूसरा असेंशियल ये था कि मैं अपने जो कैमरा स्टिक होती है वो भी लाना भूल गई, तो हाथ से कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। अंकल वो शक्कर पा रहे हैं ऊपर। हाँ गुड़ पा रहे होते हैं बेटे। अच्छा कैसे हैं वो? ठीक ठाक है। क्या भाव दे रहे हो? 50 रुपए के 200। अच्छा तो कर दो फिर 50 के। हाँ जी मैंने सोचा था कि यहाँ तक आई हूँ तो कृष्णा बेकर्स में जाकर कुछ खा भी लूंगी, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना रश है, मेरे पास ना टाइम नहीं है। बट एक चीज दिखाती हूँ, सिंस 1928 आप देख सकते हो तो ये कितने पुराने बेकर्स हैं। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत टेस्टी होती है, इसलिए यहाँ पे यूजुअली बहुत रश रहता है। अभी मैं पहुंची हूँ शिमला के मॉल रोड पे, बिकॉज अगर आप शिमला आए हो और आप अगर मॉल रोड पे नहीं आते हो सो यू रियली डिड नॉट कम टू शिमला। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भले ही इतने टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और आज भले ही इतना ज़्यादा यहाँ पर रश ना हो, लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो इतना सूदिंग, इतना रिलैक्स फील होता है ना। और आपको बताऊँ यहाँ पर एक इतना सूदिंग म्यूज़िक चल रहा है इस टाइम पर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और देखो मंकीज़ का कहर बिल्कुल ही, मतलब आपको बताइए जैसा कि हमेशा से ही रहता है। सो अभी मैं जा रही हूँ वापस लक्कड़ बाज़ार की तरफ, क्योंकि लक्कड़ बाज़ार से 3 बजे मेरी बस मुझे मिलेगी, जो उससे पहले, क्योंकि जो उससे पहले 2 बजे और 1 बजे वाली बसेस थी ना दोनों ही छूट गई। आई थिंक 2 बजे वाली तो आई नहीं थी ना, क्योंकि मुझे तो वहाँ मिली नहीं तो शायद नहीं आई होगी। बाकी अभी मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है।
तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जिनके पास बालकनीज नहीं होती ना, वो ऐसे सुखाते हैं अपने कपड़े फिर। और बट एनीवेज यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से स्नो भी अभी यहाँ टक्कर बाज़ार में काफ़ी देर तक टिकता है बिकॉज़ यहाँ पे धूप कम आती है ना, और ये थोड़ा ठंडा इलाका है तो यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा देर तक रुकती है। बाकी मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, अभी देखते हैं बस मिलती है मुझे या नहीं। एक और जगह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है ये लक्कर बाज़ार में जो आइस स्केटिंग रिंक है वो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। और यहाँ पर अभी कोई भी स्केट नहीं कर रहा है बिकॉज़ आई थिंक लॉकडाउन की वजह से वीकेंड पे शिमला बंद है, तो इसलिए आज कोई भी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। अभी मैं सोच रही थी कि पीछे मोमो शॉप थी वहाँ पे मोमोज़ खा लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी मोमोज़ ख़त्म हो गए हैं, तो मतलब मुझे लग रहा है भूखे ही जाना पड़ेगा घर तक। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। अभी हम जो लोग पहुँचने ही वाले हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बस में थोड़ी ही सवारियां बची है, लास्ट में दो तीन लोग हैं, आगे दो और एक मैं हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोग उतर गए हैं। जो लोग तक काफ़ी कम लोग रह जाते हैं, लेट होती है ये बस, तो इस वजह से लोग पहले ही चले जाते हैं। तो हमारे गाँव के लिए जो है वो दो ही बसें जाती है, एक एक बजे और एक जाती है दो बजे, तो उसके बाद कोई डायरेक्ट बस जाती नहीं है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि कितने बढ़िया और पहाड़ी नाटियाँ चली हुई है और बढ़िया मनोरंजन हो रहा है सबका। तो चलिए फिर मैं आपसे जलोग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं भाई नहीं, बैग भी चकने पड़ेंगे मेरे को। कैसे उठाएगा तू? मैं एक तो मैं पीठ में उठाऊंगी ना, एक हम हाथ में उठा लेंगे। तभी बोल रही हूँ मैं गाड़ी बुक कर लेते हैं यार। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं जलोग में और ध्रुव मुझे लेने के लिए आया है, और ये मुझे बोल रहा है कि बाइक पे जाना है, और मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे ही जाएंगे बाइक पे। तो ये खड़ी है बाइक यहाँ पे, आई डोंट नो आपको अंधेरे में दिख भी नहीं रही होगी। तो अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं और हम घर जाने के लिए बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी, तो अभी चलते हैं। तो चलिए मैं आपसे घर पर मिलती हूँ। अभी मेरे हाथ में बहुत ठंड लग रही है और मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। सो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ, और कल मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और रात भी बहुत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और बहुत मज़े कर रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं आसपास की बर्फ़ बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि पिघल चुकी है ऑलमोस्ट सारी, बस जो ठंडे ठंडे एरिया में थोड़ी बहुत बची है खेत में वही बची है, बाकी सब गई। तो मेरे आने का वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ जब तक हूँ तब तक पड़ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पर चलो फिर भी अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।